नमस्कार दोस्तों, लर्नर डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एक टिप आपको देंगे कि अगर मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है टोयोटा फॉर्चुनर, उसके रिमोट की बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है मान लीजिए किसी वजह से, या फिर बैटरी डेड हो जाती है, उस कंडीशन में आप गाड़ी को स्टार्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वो की को डिटेक्ट नहीं करेगा तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने इस रिमोट की जो बैटरी है उसको रिमूव कर दिया है, आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार अगर इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप जो मैसेज देख रहे हैं वो आ रहा है, रिप्रेस ब्रेक एंड टच की टू इंजन स्विच। तो हम उस कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हमारे पास की है तब भी। उस कंडीशन में आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी टिप है। आपको इसी रिमोट को अपना जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन होता है उसके बिल्कुल क्लोज लेकर जाना है, और उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि गाड़ी का जो स्विच है वो ऑन हो गया। तो अब आप देखिए किस तरह से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपके काम आए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।